कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बलिया से बड़ी खबर, बलिया में बनेगा मुलायम सिंह यादव संवाद भवन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह ने की है घोषणा। बलिया से बड़ी खबर, बलिया में बनेगा मुलायम सिंह यादव संवाद भवन। बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह ने घोषणा की है। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बलिया में बनेगा मुलायम सिंह यादव संवाद भवन। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज। 11:55 पर राम कथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे। 12:20 पर रामलला के मंदिर निर्माण स्थल का जायजा लेंगे। राम सीएम राम कथा पार्क में तैयारियों का लेंगे जायजा। रामलला का दर्शन कर निर्माणाधीन स्थल पर जलाएंगे दीपक। सीएम राम कथा पार्क में तैयारियों का लेंगे जायजा। दीपोत्सव की तैयारी और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। अयोध्या से बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज। 11:55 पर राम कथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। 12:20 पर रामलला के मंदिर निर्माण स्थल का जायजा लेंगे। सीएम राम कथा पार्क में तैयारियों का जायजा लेंगे। रामलला का दर्शन कर निर्माणाधीन स्थल पर जलाएंगे दीपक। लखनऊ यूपी कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा साइबर क्राइम हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं। यूपीसीबी का 146 करोड़ निकालने की हुई कोशिश। यूपीसीबी के अकाउंट से 146 करोड़ लूटने से बचा। सहकारिता विभाग ने बैंक फ्रॉड पर बड़ी कार्रवाई की है। यूपी कोऑपरेटिव बैंक के 10 अफसर सस्पेंड किए गए। यूपी के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, यूपी कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा साइबर क्राइम हुआ। यूपीसीबी का 146 करोड़ निकालने की कोशिश हुई। यूपीसीबी के अकाउंट से 146 करोड़ लूटने से बचा। सहकारिता विभाग ने बैंक फ्रॉड पर बड़ी कार्रवाई की। यूपी कोऑपरेटिव बैंक के 10 अफसर सस्पेंड किए गए हैं। यूपी के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज। मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर की किस्मत का फैसला आज होगा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला आज होगा। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का परिणाम आ जाएगा। सभी जगह से लाए गए बैलेट बॉक्स कांग्रेस मुख्यालय। सुबह 10:00 से एआईसीसी में शुरू होगी काउंटिंग। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में होगी मतगणना की प्रक्रिया। मतगणना के बाद जारी होगा परिणाम। मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर की किस्मत का फैसला आज होगा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला आज होगा। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का परिणाम आ जाएगा। सभी जगह से लाए गए बैलेट बॉक्स कांग्रेस मुख्यालय। सुबह 10:00 से
एआईसीसी में शुरू होगी काउंटिंग। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में होगी मतगणना की प्रक्रिया। मतगणना के बाद जारी होगा परिणाम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विभांशु, मल्लिका अर्जुन खड़गे और शशि थरूर की किस्मत का फैसला आज होगा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? कि आज जो भविष्य उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो हाल ही में चुनाव हुआ था 17 अक्टूबर को, उसके नतीजे आएंगे। वहीं आपको बता दें, अगर प्रमुखता से बात की जाए तो दो उम्मीदवार मैदान में थे, और बात की जाए तो उम्मीदवारों की, तो पहले उम्मीदवार मल्लिका अर्जुन खड़गे थे जो कि एक वरिष्ठ नेता है। साथ ही आपको बताएं कि डायनेमिक पर्सनालिटी के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले, साथ ही साथ एक लेखक और राजनेता शशि थरूर भी अपना किस्मत आजमाए थे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए। अब आपको बताएं कि आज उनके किस्मतों का फैसला होगा और देर शाम तक ये पता चल जाएगा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। वहीं आपको बताएं कि इसमें अगर बात की जाए तो देश भर में 9000 से अधिक डिलीगेटों ने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया। वहीं आपको बताएं कि इसमें 68 जो मतदान के हैं वो केंद्र बनाए गए थे। साथ ही आपको बताएं कि मयूरी, अगर देखा जाए तो लगभग 24 सालों के बाद कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी को संभालेगा। साथ ही अगर देखें तो 22 सालों के बाद ये चुनाव हो रहा है, और 137 साल के इतिहास में अगर देखें तो ये छठी बार अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। और ये सभी जो मतदान के प्रक्रिया है ये इलेक्शन कमीशन नहीं देखती है, बल्कि जो कांग्रेस का एक विंग है सेवा दल, उसके द्वारा पूरे मतदान का कार्य करवाया जाता है। और आपको बताएं कि दिल्ली स्थित जो राष्ट्रीय कार्यालय है वहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और वोटों की गिनती शुरू हो गई है, और माना यह जा रहा है कि लगभग दोपहर तक नतीजे आ जाएंगे। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, घटना के बाद गोली मार कर फरार हुए बदमाश। किराना का सामान लेकर आ रहा था व्यापारी। भदोखर थाने के नोनारी गांव के पास की घटना। रायबरेली से बड़ी खबर बता रहे हैं, बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, घटना के बाद गोली मार कर फरार हुए बदमाश। किराना का सामान लेकर आ रहा था व्यापारी। भदोखर थाने के नोनारी गांव के पास की घटना। रायबरेली से बड़ी खबर बता रहे हैं, बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी है, घटना के बाद गोली मार कर फरार हुए बदमाश। ट्यूशन पढ़ने जा रही युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लखनऊ से बड़ी खबर, गैंगरेप के वांछित अभियुक्त के साथ मुठभेड़। लखनऊ में गैंगरेप के मुख्य आरोपी के साथ मुठभेड़ में मुख्य आरोपी इमरान को लगी गोली। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में कराया गया भर्ती। इमरान के पास 32 बोर की पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, पुलिस की कठौता झील के पास हुई मुठभेड़। 15 अक्टूबर 2022 को विभूतिखंड थाना अंतर्गत एक गैंगरेप की घटना हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कल हो गई थी और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी इसमें बाकी थी। जो इसमें अभियुक्त था उसका नाम इमरान था, जो जिसकी पहचान हुई थी। इसमें कई टीमों का गठन किया गया था, जिसमें थाना विभूतिखंड की टीम और DCP ईस्ट की जो क्राइम टीम है उनको शामिल किया गया था। जो अभियुक्त की फोटो थी उसको कई जगह हम लोगों ने बांटा भी था, तो इसी फोटो बांटने के आधार पे एक मुखबिर के द्वारा हम लोग को ये सूचना मिली कि जो इसका अभियुक्त है उसको कठौता के पास देखा गया है। इस सूचना पे तुरंत एक्शन लेते हुए पूर्वी की क्राइम टीम और विभूतिखंड की जो थाने की टीम है उनको तुरंत बताया गया और वहाँ पर चेकिंग लगाई गई। वहाँ से ये देखा गया कि
कठौता चौराहे से जो कठौता झील की तरफ रास्ता जाता है उसमें एक बाइक पे वो बदमाश जो है भाग रहा है, क्योंकि वो संदिग्ध लगा तो उसको जब टीम ने रोकने की कोशिश की तो कठौता झील की तरफ जो आने वाला रास्ता है वहां पे बदमाश ने अपनी बाइक छोड़ दी और वो भागने लगा। जब टीम ने उसको पीछे से ललकारा तो उसने जो है फायरिंग की, टीम ने जवाबी फायरिंग में उसके ऊपर जब फायरिंग हुई तो उसके पैर में, दाहिने पैर में एक गोली लगी और फिर उसको पकड़ लिया गया। मौके से 32 बोर की एक पिस्टल और 2 खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। फील्ड यूनिट को यहां पर बुला लिया गया है और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सिर पड़ने जा रही युवती से गैंगरेप का मामला लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। रितेश, गैंगरेप का एक बड़ा मामला सामने आया था जिसके बाद आज मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। जी मयूरी, मैं आपको बता दूं कि गैंगरेप का मामला लखनऊ, राजधानी लखनऊ में गोमती नगर में हुआ था। ये मामला शनिवार 15 अक्टूबर का था। पीड़िता ने पुलिस को जो बताया था उस FIR की कॉपी में जो लिखा हुआ था उसके अनुसार 18 साल की वह 12वीं की छात्रा थी। ट्यूशन पढ़ा करके वो अपने घर को लौट रही थी, जिसके बाद एक ऑटो चालक ने उसे बैठाया, ऑटो में वो बैठी और 6:30 बजे वो ऑटो में बैठ करके अपने घर जाने के लिए तैयार होती है। फिर ऑटो ड्राइवर उसको साथ में लेकर के जाता है, साथ में एक और भी शख्स उस गाड़ी में बैठा हुआ होता है। जानकारी के मुताबिक वो दोनों फिर उसने गाड़ी को शहीद पथ की तरफ मोड़ दिया ऑटो चालक ने। ऑटो चालक ने जब वो गाड़ी साइड में मोड़ा तो उस जो है पीड़िता ने कहा कि आगे गाड़ी क्यों लेकर के आप जा रहे हैं। तब तक पीछे बैठा जो एक और शख्स था उसने उसके सर पे वार कर दिया। वार करने के बाद वो ले जाते हैं शहीद पथ की तरफ, वहां दुष्कर्म करने के बाद फिर उसे हुसरिया पुल पर छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद लगातार DCP पूर्वी प्राची सिंह इस मामले को देख रही थी और पूरी तत्परता के साथ आरोपी को विभूतिखंड थाना क्षेत्र से जो है एक मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार करने में इनको सफलता हासिल हुई है। मैं आपको बता दूं कि जो अभी रात में मुठभेड़ हुई है गैंगरेप के मुख्य आरोपी के साथ, का नाम इमरान बताया जा रहा है, नानपारा बहराइच का रहने वाला है। विभूतिखंड थाना क्षेत्र में ये जो ऑटो चलाता था, और मैं आपको बता दूं कि DCP प्राची सिंह ने बहुत ही तत्परता के साथ घेराबंदी करके इसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मयूरी, अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे की अभी क्या कार्रवाई जारी है? देखिए, इसमें दो लोग थे जिसमें से एक की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है और दूसरे शख्स की जो मेन अभियुक्त था उसकी भी गिरफ्तारी आज DCP प्राची सिंह ने करने में सफलता हासिल की है। अब इन लोगों के ऊपर विधिक कार्रवाई करके आगे की कार्रवाई जो है ये जेल भेजा जाएगा, उनके जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। हिंदू महासभा के प्रदेश मंत्री राकेश दत्त मिश्र हाउस अरेस्ट। अयोध्या से बड़ी खबर, शहर के ककरही बाजार आवास पर पुलिस तैनात। हिंदू राष्ट्र निर्माण हस्ताक्षर अभियान के समर्थन में कर रहे थे पदयात्रा। हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना निकाल रही थी पदयात्रा। हिंदू महासभा के प्रदेश मंत्री राकेश दत्त मिश्र हाउस अरेस्ट किए गए हैं। अयोध्या से बड़ी खबर, शहर के ककरही बाजार आवास पर पुलिस तैनात है। हिंदू राष्ट्र निर्माण हस्ताक्षर अभियान के समर्थन में कर रहे थे पदयात्रा। हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना निकाल रही थी पदयात्रा। गोंडा में 3 थाना अध्यक्ष के तबादले, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शमशेर बहादुर सिंह को परसपुर से हटाकर अति निरीक्षक मनकापुर बनाया गया। संतोष कुमार सरोज को विशेष जांच प्रकोष्ठ से हटाकर परसपुर का बनाया गया थाना अध्यक्ष। अरविंद कुमार कोरी को थाना AHTU से हटाया गया। गोंडा में 3 थाना अध्यक्ष में तबादले किए गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शमशेर बहादुर सिंह को परसपुर से हटाकर अति निरीक्षक मनकापुर बनाया गया। संतोष कुमार सरोज को विशेष जांच प्रकोष्ठ से हटाकर परसपुर का बनाया गया थाना अध्यक्ष। अरविंद कुमार कोरी को थाना AHTU में बनाया गया अध्यक्ष। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर,
अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर दबंगों ने जमकर बरसाए ईंट पत्थर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर कब्जा हटाने गई थी नगर निगम, राजस्व व पुलिस की टीम। छत से हुए पथराव में दो लोगों को आई चोटें, आरोपी गिरफ्तार। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पुखराया कस्बे का मामला। पुखराया में किदवई नगर स्थान पर मुख्य रोड पर एक अवैध कब्जे को हटाने का न्यायालय का आदेश था, जिसके क्रम में नगर निगम, राजस्व और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से वो अवैध कब्जे को तोड़ने के लिए वहां पे गए थे। उसी के दौरान जो जिस व्यक्ति ने अवैध कब्जा किया था उसके द्वारा पथराव किया गया। इस क्रम में उसको, उनके यहाँ दो लोगों को हल्की चोटें आई हैं, उनको न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है और उनको 151 के तहत उनको जेल भेजा जा रहा है। गुंडों ने तीन व्यक्तियों को बेरहमी से पीटा, कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोहे की रॉड से पीट पीट कर तीनों को किया लहूलुहान। पनकी थाने के रतनपुर नारायणा चौराहे का मामला। एलडीए ने अवैध निर्माणों को सील किया, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। तीन अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है। गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में की गई कार्रवाई। एलडीए ने अवैध निर्माणों को सील किया है, लखनऊ से बड़ी खबर। तीन अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।